हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। जब आप अपना ट्विंस प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहला अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी सिंगल ही शो करता है। वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो ऐसा होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो सबसे पहला रीजन होता है कि आपका पहला अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितनी जल्दी होता है, यानी कि 20 वीक से पहले ही हो जाता है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं एक बेबी के ना दिखने के। क्योंकि शुरुआत के वीक्स में जो आपके बेबी होते हैं वो योक सैक यानी कि जर्दी की थैली एंड फेटल पोल यानी कि भ्रूण के ध्रुव डेवलप हो रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जर्दी की थैली एक ऐसी संरचना होती है जो आपकी स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में आपके यूट्रस के अंदर डेवलप होती है, और इसका जो काम होता है वो होता है आपके बेबी को पोषण देने का। और फेटल पोल वो होता है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो आपने देखा होगा कि आपको गोल गोल दिखाई पड़ता है, और इसी स्ट्रक्चर में से बच्चे के धीरे धीरे अंग डेवलप होना स्टार्ट होते हैं एंड वो आगे चल के धीरे धीरे बच्चा बन जाता है। इसीलिए शुरुआत में बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपके एक बच्चे का स्ट्रक्चर पूरी तरह दिखाई पड़ता है बट एक का नहीं दिखाई पड़ता है। और जब आपके बेबी धीरे धीरे बड़े आकार के होने लगते हैं फिर उनको देखना बहुत ही इजी हो जाता है। और यदि आपका शुरुआत के 6 से 7 वीक में ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड होता है तो ऐसे में आप एक ही बच्चे को देख सकती हैं जबकि रियल में आपके 2 बच्चे होते हैं। और दूसरा जो रीजन होता है, वैसे तो ट्विंस की थैलियां अलग अलग रहती हैं बट कुछ प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि आपके ट्विंस एक ही थैली को शेयर करते हैं, ऐसे में भी बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं एक बच्चा दिखाई पड़ता है एंड एक बच्चा नहीं दिखाई पड़ता है। और ऐसे ट्विंस को मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक ट्विंस कहा जाता है। और तीसरा रीजन होता है कि जब आपका अल्ट्रासाउंड जिस समय होता है तो उस समय कभी कभी बच्चा जो है एक बच्चे के पीछे छुप जाता है, जिस वजह से वो अल्ट्रासाउंड की निगरानी में आने से बच जाता है। चौथा जो रीजन होता है वो होता है मानव त्रुटि, यानी कि जो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं वो भी एक इंसान होते हैं तो उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, और ऐसी गलती की संभावना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब आप ट्विंस प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद में अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि इस समय तक बच्चों का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इस समय जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपके बेबी की बहुत ही बारीकी से जांच की जाती है कि उसका डेवलपमेंट कैसा है एंड उसके अंग अच्छे से बन रहे हैं या फिर नहीं, और उसमें कोई विसंगति तो नहीं है। इसलिए आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के 20 वीक्स में एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है। आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक भी कर दिया करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और आपके मन में कोई सवाल या फिर आप कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।